नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अभी 20 रुपए 30 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यह टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी, 35 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे सुरेंद्र जीवराज का जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, पॉलिस्टर यार्न्स। और दोस्तों ये अपना जो प्रोडक्ट्स है 100% में से 26% प्रोडक्ट दोस्तों 90 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यूएस यानी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। यहाँ पे दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज अपना 26% जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले दिवालिया घोषित हो चुका है और इसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ था और उस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40.01% की शेयर होल्डिंग और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने 34.99% की शेयर होल्डिंग के साथ इसको टेक ओवर किया है। यानी कि दोस्तों दोनों मिलकर 75% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, केवल 25% जो शेयर है वे ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की जो कमान है वह अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, मुकेश अंबानी जी के हाथों में है, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन के हाथों में है। और आने वाला समय दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज का काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए क्योंकि दोस्तों बजट में भी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल्स कंपनी अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे तो जिससे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन को टक्कर दी जा सके। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो भी काफी अच्छा रहा है और आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट भी दोस्तों काफी अच्छा आने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है और डिलीवरीज भी दोस्तों काफी अच्छी हो रही है। अभी कल के दिन 30 मार्च को 54.6% की डिलीवरी हुई है और दोस्तों 19 मार्च को 79.6% की डिलीवरी रही है। यानी कि लोग इसका माल उठा रहे हैं और घर ले जा रहे हैं। और दोस्तों अभी 20 रुपए के ऊपर चल रहा है इसका स्टॉक क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर इस प्राइस पर अभी बाई कर रहा है। जैसे ही ऑपरेटर की कैपेसिटी फुल हो जाएगी यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है। आप लोग देख सकते हैं चार्ट में कि 2008 में इसने हाई लगाया है 96.90 रुपए का। यहाँ से दोस्तों बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 साल में यह स्टॉक 219 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।